हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और सेंटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेजेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होंगे, ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे, बट मैं आज आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा किन कंडीशन में, किन सिचुएशंस में आपको यूज़ करना है इन सेंटेंसेस को। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स बट ऑल्सो फॉर एडवांस लर्नर्स। यू मे हैव लर्न दैट बट यू मे नॉट रिमेंबर, सो दिस इज जस्ट रिकैपिटुलेशन और रिकॉलिंग द ओल्ड सेंटेंसेस, द रिविजन और द वीडरहोलूम इन जर्मन। सो एक बार देखते हैं इन सेंटेंसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। नोट कर सकते हो आप इन सेंटेंसेस को। एस फ्रॉइट मिश डिश कैनन सू लर्नन, एस फ्रॉइट मिश डिश कैनन सू लर्नन मीन्स इट प्लीज मी, आई एम हैप्पी टू मीट यू। जैसे हम बोलते हैं एस फ्रॉइट मिश, ग्लैड टू सी यू, हैप्पी टू सी यू, हैप्पी टू गेट टू नो यू, आपको मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपको जानकर खुशी हुई, हिंदी में बोलते हैं। और जर्मन में एस फ्रॉइट मिश डिश कैनन सू लर्नन, जैसे हम मिलते हैं किसी से, बोलते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इट्स नाइस मीटिंग यू, इट्स नाइस मीटिंग यू। सेम सेंटेंस जर्मन में एस फ्रॉइट मिश डिश कैनन सू लर्नन। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, इश फ्रॉय मिश ऑफ दाइन एंड बेजूक, इश फ्रॉय मिश ऑफ दाइन एंड बेजूक, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट, आपकी विजिट को मैं देख रहा हूँ, और मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग अ विजिट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आप विजिट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आई विल बी हैप्पी इफ यू विजिट, आपकी विजिट का मुझे इंतजार है, आपके आने का मुझे इंतजार है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे इंतजार रहेगा आपके आने का। एस इश फ्रॉय मिश, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ दाइन एंड बेजूक, आपकी विजिट का, आपके आने का मुझे इंतजार रहेगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। नेक्स्ट है इश वाटे ऑफ डिश और दाइन एंटवोट, ये हम बेसिकली ईमेल के एंड में लिखते हैं, जब भी हम कोई ईमेल लिखते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल, बट ये इनफॉर्मल है, डिश यहाँ पे जी कर सकते हो और दाइने की जगह ईयरे कर सकते हो। तो ईमेल में हम लिखते हैं बेसिकली एंड में, जब हम एंड करते हैं ईमेल को, आपने पढ़ा होगा ये कई बार ईमेल में, आई एम वेटिंग फॉर यू और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर और आई एम वेटिंग फॉर योर ईमेल भी लिख सकते हो आप, दाइने ईमेल मीन्स आपने किसी को मेल किया है, आप इंतजार कर रहे हो उसके रिप्लाई का, तो लास्ट में एंडिंग लाइन लिख सकते हो आप, इश वाटे ऑफ डिश, आई एम वेटिंग फॉर यू और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, तीनों के लिए यही स्ट्रक्चर यूज होगा। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो लास्ट में एंटवोट और ईमेल। एक और वर्ड होता है रिकमेल्डुंग, रिकमेल्डुंग मीन्स रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ईमेल में यूज करते हैं, काफी कॉमन फ्रेज है। नेक्स्ट है वी बिटर, पार्डन, मैंने कुछ बोला आपको समझ नहीं आया, आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, टीचर ने कुछ बोला आपको समझ नहीं आया, आप बोल रहे हो मैम कैन यू रिपीट दिस, क्या आप दोबारा बताओगे एक बार, कैन यू प्लीज स्पीक अगेन, पार्डन इंग्लिश वर्ड है पार्डन, वी बिटर, पार्डन कैन यू प्लीज रिपीट, कोई चीज मैंने बोली या टीचर ने बोली आपको समझ नहीं आई और आप चाहते हो कि वो टीचर रिपीट करे, तो उसके लिए यह है वी बिटर, वी बिटर मीन्स कैन यू प्लीज रिपीट, कैन यू प्लीज स्पीक अगेन, कैन यू टेल अगेन, आइन एन मोमेंट बिटे, आइन एन मोमेंट मीन्स जस्ट वेट, जैसे हम बोलते हैं जस्ट वेट अभी मैं आया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड अभी मैं आया, आइन एन मोमेंट बिटे, आइन एन मोमेंट बिटे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड अभी मैं आता हूं, आइन एन मोमेंट बिटे। असिस्ट मियर एगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्ट मियर एगाल मीन्स आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने कोई बात बोली, कोई कमेंट बोला, आपको बस एक सेंटेंस बोलना है, एस इस्ट मियर एगाल, आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट बॉदर, इट डजेंट मैटर, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी बोले, आई डोंट केयर, कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बोलने दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलने दो, उसको करने दो, आई डोंट केयर। Assist mere egal, assist mere egal. Last es lohnt sich, es lohnt sich means it's worth, इस काम को करने का फायदा है, इसकी इंपॉर्टेंस है, कोई काम कर रहे हो, कोई चीज आप खरीद रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसको करने से आपको फायदा है, इट वर्थ इंग्लिश में बोलते हैं,
जर्मन में एस लोन्ट जिश फिक्स्ड है, एस लोन्ट जिश इट्स वर्थ, इसकी वैल्यू है, इसकी इंपॉर्टेंस है, यूजफुल है, बेनिफिशियल है, आपके काम का है, फायदा होगा, एस लोन्ट जिश। ये सारे सेंटेंसेस हैं, आप याद कर सकते हो, इनको लिख सकते हो, और वर्कशीट और असाइनमेंट्स के लिए आप नीचे ब्लॉग में लिंक के क्लिक करके डेली वर्कशीट असाइनमेंट्स जो भी हम अपलोड करते हैं आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वेदर यू आर ए बिगिनर और एडवांस लर्नर, आप वहाँ से वर्कशीट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बहुत सारी वर्कशीट्स हैं और पुरानी वीडियोस, मोर देन 700 वीडियोस अवेलेबल ऑन आवर चैनल। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जर्मन सीख सके, चैनल से बेनिफिट ले सके। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।